अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बेहतर पढ़ाई के लिए तो मशहूर ही है, मगर वहाँ से अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं जो शायद किसी भी शैक्षणिक संस्थान से नहीं आनी चाहिए। हाल ही में एमयू के आरएम हॉल में अवैध हथियार मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी, जहां से पुलिस ने एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आरएम हॉल में अवैध हथियार मिलने की सूचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस प्रोक्टोरियल टीम के साथ पहुंची थी, जहां हॉस्टल की तलाशी ली गई तो एक अवैध तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरएम हॉल के पास इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ कमरे हैं जिसमें अनऑथराइज्ड लोग रह रहे हैं और वो हॉल के मेंबर नहीं हैं लेकिन फिर भी रह रहे हैं। उसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कल उन्होंने तकरीबन 1 बजे के आसपास में प्रॉक्टर की टीम को भी बुलाया और अपने टीम के साथ उन्होंने एक वार्डन हाउस है, सी ब्लॉक में वार्डन हाउस है, उस वार्डन हाउस का उन्होंने रेड किया। तो खैर वहाँ पर कोई मौके पर कोई आदमी तो नहीं मिला, लेकिन उसमें सर्च के दौरान कुछ ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, जिसमें से एक देसी कट्टा है वो मिला है और कुछ लाइव कारतूस कार्टेज हैं, चार या पांच जो भी हों तादाद उनकी हो, और उसमें कुछ कागजात भी मिले हैं, कुछ आइडेंटिटी कार्ड, 2 मोबाइल फ़ोन भी मिले थे। वो सारी चीज़ों को उसने जब्त कर लिया और इसके बाद में पुलिस को जो असलहा था और जो कार्टेज थे उनको दे दिया। घटना की जानकारी देते हुए सीओ सिविल लाइन शिव प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आरएम हॉल में अवैध हथियार है, जिसकी सूचना पर पुलिस टीम जहां से एक अवैध तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के हॉल में चेकिंग के दौरान प्रोक्टोरियल टीम द्वारा एक कमरे से अवैध तमंचा व कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस संबंध में कमरे में रहने वाले अब्दुल हक नाम के व्यक्ति के विरुद्ध थाना सिविल लाइन पर FIR पंजीकृत कराई गई है, अभी उसकी तलाश की जा रही है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आरएम हॉल में अवैध हथियार मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के MLC डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है और अगर इस तरह के एलिमेंट्स अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रहते हैं तो निश्चित ही बड़ी और कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। अगर शैक्षणिक संस्थान में इस तरीके की गतिविधियां पाई गई हैं तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उन पर कार्रवाई हो। योगी का कानून पूरे उत्तर प्रदेश में चलता है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय वह मुख्यमंत्री का विषय है, उत्तर प्रदेश शासन का विषय है और यह उत्तर प्रदेश शासन की टैग लाइन है। कोई भी अगर गुंडागर्दी करेगा, माफियागिरी करेगा, कट्टा कल्चर चलाएगा तो जमीन में मिला दिया जाएगा। तो जांच होनी चाहिए हर रूम्स की, यूनिवर्सिटी का भी ऐसे ही हाल होगा। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में है, लॉ एंड ऑर्डर व उत्तर प्रदेश शासन का विषय है। एएमयू के अंदर एएमयू का अपना कानून चलता है, पुलिस वहां परमिशन लेके जाती है तब छापा मारती है। यदि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो पुलिस को कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, वह सीधे प्रवेश करते हैं। तो हर रूम की जांच होगी, बाबा का बुलडोजर चल सकता है ऐसी जगह। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश शासन का है, वह अपनी गति से ही चलेगा। आपको याद दिला दें, ये वही AMU है जहां हिंदू छात्रों ने आरोप लगाया था कि उनके साथ भेदभाव किए जाने के कारण उन्हें हॉस्टल नहीं दिया जा रहा है और एक हॉस्टल से तलाशी के दौरान हथियार का पाया जाना कोई अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है।